आगे बढ़िए, आप सितारों की तरफ जाइए, आपको जमीन पे रहने का शौक नहीं है सर। आगा भिश्ती ने हमें ज्वाइन कर लिया। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग टू यू भिश्ती साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। भिश्ती साहब, सोचा था क्या क्या हो गया, पहले वो फुटबॉल की बात करते आपने उनको काट दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छा अपना तकरीबन आखिरी मैच बहुत जबरदस्त तरीके से जीता है। थैंक यू। और मैं उसका फैन हूँ और रोनी से मैं खुद मिला था मैनचेस्टर में। अच्छा। और वो मेरे दोस्त हैं और बहुत जबरदस्त उसके साथ मेरे, और अच्छी बात ये कि मैंने उसके जायके भी बनाए हैं। मतलब क्या बात है। अच्छा, ये मतलब आपका, तो इसका मतलब है कि अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली आपके फैंस मौजूद हैं। जो पाकिस्तान का जायचा बताइए भिश्ती साहब, हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ रही है? सबसे पहले तो मैं समी इब्राहिमी की जो गिरफ्तारी है और वो उसकी मैं और मजम्मत भी करता हूँ और उसकी रिहाई के लिए, और मैं अपनी आवाज बोल टीवी के साथ मिलाते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ किस्मी इब्राहिमी को जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की गई है, उसको रिहा किया जाए, और ये मेरी मुतालबा भी है और साथ साथ जो मैं एहतजाज भी कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के सितारा इस वक्त सवाल पर है, जो गुज़श्ते मैंने आप लोगों से अरेस्ट किया था मुस्तकिल, और इस वक्त भी परेशानियों पर खड़ा है, और फिलहाल पाकिस्तान के जो सवाल की कैफियत है अपनी जगह पर मौजूद है और बड़ा है, कम नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि मजीद पाकिस्तान के ऊपर माली इक्तिसादी मसाइल और परेशानियों का पैदा होने का इम्कान। आगा साहब, अक्टूबर में आवाज सुन रहे हैं इलेक्शंस की, हम इलेक्शन तो मैं आपको कह रहा हूँ सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होंगे, और वो भी मुझे लगता है कि दिसंबर के ये जो अगस्त से इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो जाएगा, इसी 2023 से आपके ये प्रोग्राम रिकॉर्ड में रहे और इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, मैं आप एक छोटी, अगर आप दोनों मुझे इजाजत दे तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। तो दुबई में एक शख्सियत है शेख अहमद, और ये जो पठान है उसने कल ऐलान किया कि उसकी बेटी हफ्सा अहमद है उसका नाम जो ना, इन दोनों ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की जितनी कर्जे इमरान खान के ऊपर जितने इल्जाम है अलकादिर जो ट्रस्ट के जो भी इल्जाम है वो सारे बकायजात में देने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे फोन करके कहा कि जी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इमरान खान के लिए आप सोचिए, जर अरबों रुपये देने वाले लोग, वो कह रहे पाकिस्तान में मैंने एक अरब रुपये डॉलर लेके आ जाऊंगा अगर इमरान खान की हुकूमत आती है। तो आप उससे अंदाजा करें कितने लोग इमरान खान के लिए तब्दीली के लिए लोग जो है अपनी जानों का, अपनी माल और अपनी तमाम जायदाद जो है वो शौकत खानों के नाम करने के लिए तैयार है। तो इस अंदाजा होता है कि इमरान खान को जब हम चेक करते हैं, हिसाब लगाते हैं, तो फिर इमरान खान से पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी और बेहतरी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आते हैं। वरना अगर इमरान खान नहीं आता है, अलबत्ता मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम अंधकार रहे, ये सारे चले भी जाए, कल मुझे और आप जैसे अजीम लोगों में से किसी को भी टिकट देगा तो वो जीतेगा और वही सरबराह बनेगा, वही कायद बनेंगे। ये जो नाम के जो छोड़ के जा रहे हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। आज भी इमरान खान के सितारा बुलंदियों पर है और बुलंदी दर बुलंदियों पर अपनी जगह पर शोहरत और कामयाबियों के साथ मौजूद हैं। और मैं ये भी बताते चलूं कि इमरान खान के लिए दुरुस्त है गिरफ्तारी और दूसरा कोर्ट से कुछ मामला गड़बड़ होने का, हाई कोर्ट से मामला गड़बड़ होने का खतरा मौजूद है। आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को बहाल करेगी और इलेक्शन लड़ेंगे और आम लोग नए चेहरे पाकिस्तान के असेंबली में होंगे। मौजूदा 13 जमातें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इल्म फलकियात की रोशनी से ये पसे पर्दे जाते हुए नजर आते हैं और इमरान खान जीतते हुए नजर आते हैं। जी कहा तो था नहीं आऊंगा पर आना पड़ा, सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब, कंटेस्टेंट्स हों कलाकार, एक तरफ सोशल मीडिया स्टार एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें, एक्सक्यूज मी, आप भी खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।